नमस्कार आप सभी को आलोन स्तुति में। तो आज का दिन में दोन्यू पोलो गवर्नमेंट कमके कॉलेज स्टूडेंट यूनियन लोग आज धरना का ऑर्गेनाइज किया गया है। ये धरना क्या मकसद के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ का स्टूडेंट और जीएस से हम लोग जानेंगे। चलिए, तो आप लोग का ये जो आज धरना ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आज ये धरना जो क्या मकसद के लिए किया जा रहा है? थैंक यू समय के लिए, आप लोग को भी, मीडिया को भी। तो एक्चुअली आज का मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव हम लोग का पहले स्टार्टिंग में भी बताया था, कॉमर्स डिपार्टमेंट एक्चुअली एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 5 फैकल्टीज होना चाहिए और मिनिमम 4, लेकिन हम लोग का यहाँ में 3 फैकल्टीज था। उसमें से भी रिसेंटली एक को हम लोग HOD को ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसका बदले में जिसको दिया है वो अभी तक नहीं आया है, स्टे ऑर्डर लेके बैठा है, हम लोग ऐसे कहीं से सुना है। उसके बाद 2 फैकल्टीज ओनली हम लोग एक डिपार्टमेंट को नहीं चला सकता है। आप लोग भी सोच के देखिए, द टीचर्स इन प्लेस ऑफ सर दे टेक गवर्नमेंट ओनली प्रोवाइड बट दे टेक स्टे ऑर्डर एंड टिल टुडे सो फार there is no teachers, there are no teachers, only we have 2 faculties in our department, and in presence of 12 subject practical paper, numerical subject, teachers are suffering a lot. And this is not only a problem of commerce department, each department from Dongyu Polo Government College Kamke face the problem of shortage of teacher, like we have history, economics and history, these all are facing the same problem. And sir, through your channel, I would like to bring also like to mention that if the government fail to provide a good quality of education to us, then they must bear unemployment problem in future, because we are the future of our area. If they fail to provide a good quality, then how can we compete the others, those who are attend classes regularly? Thank you all the media fraternity for allowing today's within us you all. So my name is Master Karpo Yamgam, and I am the General Secretary of Dongyu Polo Government College Kamke. तो आप सभी देख रहा है आज सुबह से लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, आप लोग पैर कुछ भी नहीं खा पी के इतना चल चल के फुट मार्च करके कर रहा है। एक्चुअली हम लोग को अभी का समय में क्या होना चाहिए कि हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, लेकिन आज हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करना शुरू हो चुका है, क्या इसका क्या कारण हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट को यह दिखाना चाहता है कि DPC कामके कॉलेज में क्या हो रहा है प्रेजेंटली। आज हम लोग को क्लास बैठना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि क्लास में हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ही कमियाँ हो रहा है। पर्सनली हम फिर से बताना चाहूँगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ है, और हिंदी में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर है। जो गेस्ट फैकल्टी दिया था वो उससे भी टेन्योर खत्म हो चुका है दिसंबर तक। ऐसे हो कि हम लोग इतना एप्लीकेशन लिखा है गवर्नमेंट को, इतना एप्लीकेशन दिया है डायरेक्टर में, इतना एप्लीकेशन दिया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फाइनली द स्टूडेंट ऑफ दोन्यू पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कांके इज कंपेल्ड टू कम ऑन दिस ग्राउंड। तो हम लोग यही है कि जितना भी डायरेक्टर का कंसर्न अथॉरिटी है,
सबसे फिर से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हम लोग का ये डीपीसी कांगी कॉलेज में जो कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है, हमें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर देना है। कंपलसरी हम लोग को कॉमर्स डिपार्टमेंट में दो देना है विद इन दिस मंथ। फिर से बताना चाहूँगा विद इन द मंथ ऑफ दिस फेब्रुआरी गवर्नमेंट इज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड असिस्टेंट प्रोफेसर टू फैकल्टीज इन इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दैट इज कॉमर्स। एंड सेकेंड वी हैव ओनली टू फैकल्टीज असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो हिंदी डिपार्टमेंट भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक में भी हो रहा है, हिस्ट्री में भी हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम जो है कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग फिर से हमेशा बार बार से यही रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द हम लोग को देना है। आज हम लोग यहाँ पर पीसफुल धरना बोल के प्रोटेस्ट किया है, हम लोग को ये कंपेल नहीं कराना है कि स्टूडेंट को कल के जाके नेक्स्ट स्टेप में अथॉरिटी का अगेंस्ट में डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में मुद्दा उठाने दें। ये हम लोग थ्रू आवर ऑनरेबल MLA जी से भी रिक्वेस्ट है और हमारे वेस्ट सियांग के जितने भी विधायक है उन सभी से भी रिक्वेस्ट है, और हमारे ये CUME डिस्ट्रिक्ट में अभी कॉलेज नहीं है, वहाँ का जितना स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर आता है और कायिंग से आते हैं, वो भी सियांग डिस्ट्रिक्ट से हमारे तालम ताबो जी उन सभी से भी, और ये हमारे PD सोना जो कि स्पीकर है अरुणाचल प्रदेश के, उन सभी से अपील है कि अब से यहाँ पर एक दो बार ज़रूर ये मुद्दा को आप लोग भी अपना तरफ से उठाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट आज जो प्रॉब्लम पड़ रहा है यही आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जैसे सियांग डिस्ट्रिक्ट से आता है, CUME से आता है, वेस्ट सियांग से आता है। यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे 5 विधायक हैं, उन सभी से भी मैं अपील करना चाहूँगा जल्द से जल्द आप लोग का थ्रू से भी कुछ कीजिए, वरना आप लोग कुछ सोच के देखिए आज स्टूडेंट ऐसा है तो कल को जाके ये स्टूडेंट क्या करेगा। क्वांटिटी तो मिलेगा मगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन DPCC कंपनी में नहीं मिल रहा है ड्यू टू लैक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन DPCC काम के। इसलिए आप सभी को यही अपील करना चाहूँगा नॉट ओनली ऑल द MLAs ऑल्सो टू द पब्लिक्स ऑफ द खंबा सर्कल, प्लीज डू इनिशिएट ए नेसेसरी एक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ DPCC काम के। थैंक यू। तो आपका DPCC काम के कॉलेज का ये स्टूडेंट यूनियन का तरफ से आप एजुकेशन मिनिस्टर को कितना एप्लीकेशन लिखा है अभी तक? ये हमारे ये एजुकेशन मिनिस्टर को वहाँ पर हम लोग का कॉलेज के तरफ से प्रिंसिपल हम लोग बहुत डायरेक्टर को वहाँ लिखता है, डायरेक्टर लोग वहाँ पर कमिश्नर का वहाँ पर बात करते हैं, जब भी बोलता है वो लोग प्लानिंग को डिस्कस करके ये करेगा, बाद में इसको रिक्रूटमेंट करेगा, यही जवाब आता है। और अभी भी एजुकेशन डायरेक्टर से यही हायर एंड टेक्निकल से यही हम लोग को रिपोर्ट आ रहा है कि प्रोसेसिंग फाइल पुटअप किया है, अभी कर रहे हैं फाइल पुटअप, पहले से क्या कर रहा था, इतना दिन से एप्लीकेशन है। इवन हम लोग का लोकल MLA का पास भी एप्लीकेशन होगा हम लोग का, वो लोग कुछ रिकॉर्ड रखा है ना नहीं रखा है वो तो मालूम नहीं, लेकिन एप्लीकेशन वहाँ पर अभी भी होगा, लेकिन अभी तक फाइल पुटअप का ही हम लोग का जवाब देते रहते हैं। लेकिन फाइल कब फाइनल कर हम लोग को पुटअप किया है बोल के रिजल्ट दिखाएगा, सिर्फ फाइल इस प्रोसेसिंग बोलने से नहीं होता है, फाइल इस कम्प्लीटेड बोल के अभी हम लोग सुनने में है। थैंक यू। तो आप लोग ये एप्लीकेशन का कितना महीना हो गया आप लोग का लिखे? एप्लीकेशन तो पहले में हम लोग का ये डिपार्टमेंट के लिए शॉर्टेज ऑफ डिपार्टमेंट के लिए हम लोग का ये जो कुछ कुछ में पर्स में लिखा है, एक्चुअली वी आर लक्की दैट हम लोग का पहले में लिखने का कारण से पहले में एक दो साल आया है, इकोनॉमिक में दो ही था उसमें भी अब एक आया है वो पहले आ चुका है, और ये एक ये हिस्ट्री में भी आया है वो आया है वो भी लेकिन नहीं जुड़ रहा है। लेकिन अभी फाइनली क्या हो गया कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में पहले से 3 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर था, जहाँ से जिससे कि हम लोग जैसे तैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट को चलाया करता था, जो कि सांगे सर है जो कि वो अभी इस समय जो है ट्रांसफ़र उसका हो चुका है यहाँ से, उसके रिप्लेस में अभी तक कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं है। इसका कारण से वेरस अभी CBCS रूल भी लागू किया है, इसमें से डिपार्टमेंट में 12 सब्जेक्ट है पढ़ाने के लिए। अब लोग कुछ सोच के देखिए 2 असिस्टेंट प्रोफेसर 12 सब्जेक्ट को हर दिन कैसे बिना रेस्टलेस का 6 सब्जेक्ट पढ़ा सकेगा, वो लोग भी एक इंसान है, वो लोग कोई रोबोट तो नहीं है कि कंटिन्यू हर सब्जेक्ट को पढ़ा सके, वो लोग भी उसे भी थकान महसूस होता है। और इसीलिए हम लोग को कॉमर्स डिपार्टमेंट में इमीडिएटली ये चाहिए हम लोग डिमांड क्यों है, क्योंकि 2 असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ है, कंपल्सरी हम लोग को 4 चाहिए, मैंडेटोरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है कॉमर्स का, इसमें इतना स्टूडेंट यहाँ में बैठ पड़ा हुआ है, दिन में कितना अभी 2 सब्जेक्ट किस किस को पढ़ाएगा 2 असिस्टेंट प्रोफेसर जो। इसलिए हम लोग यही अपील है कि जल्द से जल्द कॉमर्स डिपार्टमेंट को भी जरूर जल्द से जल्द हम लोग को प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर दीजिएगा, और इको में भी और हिस्ट्री में भी और हिंदी में भी जरूर दीजिएगा। तो आज का आप लोग का पीसफुली धरना जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये अगर धरना आपका सक्सेस नहीं होने से आपका फर्दर स्टेप क्या लेगा आप लोग का?
तो हम लोग का ये फर्दर स्टेप इस प्रकार होगा कि मैं बताना तो नहीं चाहूँगा बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन वर्ड, आई बिलीव ओनली इन एक्शन। हम लोग स्टूडेंट सब मिल के करके दिखाएगा कल को जाके क्या कर सकता है। थैंक यू। बंदे आपने जो कर रहा है वो सही है और आपका जो मुद्दा है टोटली आई एम एग्रीड विद डैट बिकॉज कोई लेक्चरर नहीं होगा और टीचर नहीं होगा कॉलेज और ये स्कूल का मीनिंग ही नहीं बनता है। तो जहाँ लेक्चरर नहीं है एडमिशन लेके भी क्या करेगा स्टूडेंट, क्योंकि टाइम ऐसे जाता है तो पढ़ाई नहीं होता है तो मीनिंग ही नहीं बनता है कॉलेज में एडमिशन लेने का और ये होने का। कंसर्न जो है वेरी जेन्युइन, आई एम टोटली एग्रीड विथ योर कंसर्न। मैंने आपका जो प्रिंसिपल बोरांग से भी डिस्कस किया शॉर्ट वेल एगो, उनका कहना भी है कि ही इज़ ऑल्सो इन टच विद द डायरेक्टर हायर एजुकेशन। तो डायरेक्टर ने भी एश्योरेंस दिया है कि बहुत जल्दी कुछ जहाँ तक पॉसिबल है कुछ लेक्चरर देने के बाद डायरेक्टर ने एश्योरेंस दिया फाइल इज अंडर प्रोसेस। और जो बाकी जो है जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम माई साइड, भले ही आज आपने जो मेमोरेंडम लेके नहीं आया फिर भी मैं अपने तरफ से मैं डाटा क्या क्या डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोफेसर का जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपका जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर से मैंने ले लिया कमरा में। तो इसके हिसाब से मैं फ्रॉम माय साइड बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हियर, तो मैं बनता है कि मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरा यहाँ इलाका में कॉलेज हो स्कूल हो कोई भी गवर्नमेंट का विभाग हो वो सही चले।